सोशल मीडिया में 30 सेकंड का एक वीडियो वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि वीडियो एक हिंदू शादी का है जिसमें मुस्लिम को खाना पकाने का ठेका मिला था, लेकिन बन जाने और परोसे जाने से पहले खाने में थूका गया। दावे के मुताबिक वायरल वीडियो में ये शख्स चावल और मटन कोरमा में थूकता हुआ कैमरे में कैद हुआ है। वीडियो को शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा, ये क्या हो रहा है, खाने में थूक। वायरल हो रहे वीडियो का सही लोकेशन नहीं बताई गई है। वीडियो में एक शख्स मास्क पहने हुए नजर आ रहा है, जिससे साबित होता है कि वीडियो कोरोना काल का हो सकता है। वीडियो में कहीं कहीं हिंदी भी सुनाई दे रही है। इस दौरान एक शख्स बड़े से पतीले में बने हुए चावल को एक प्लेट में निकाल अपने मुंह के पास लाता हुआ नजर आता है। इस दौरान ऐसा लग रहा है मानो वो इसमें थूक रहा है, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? हमने वीडियो से ही सच का क्लू तलाशा तो वीडियो में कई ऐसी बातें दिखाई दी जो हमारी पड़ताल का आधार बन गई। वीडियो से मिला पहला क्लू। खाने में थूकने के अभी तक जितने भी वीडियो वायरल हुए हैं वो ज्यादातर मोबाइल कैमरे से चोरे छेपे बनाए गए थे, लेकिन इस वीडियो में इस पूरी घटना को रिकॉर्ड बड़े कैमरे से किया गया है। आप वीडियो कैमरे की शटर की आवाज भी पीछे सुन सकते हैं। दूसरा क्लू, वीडियो में कोई एक शख्स नहीं है बल्कि कई लोग दिखाई दे रहे हैं जो इस घटना के चश्मदीद है। सवाल यही है कि भला खाने में थूक मिलाने के जैसा घिनौना काम कोई इतने लोगों के सामने क्यों करेगा? तीसरा क्लू, वीडियो के आखिर में सभी लोग बरकत और आमीन कहते हुए सुने जा सकते हैं, भला खाने में थूक मिलाने के बाद कोई आमीन शब्द का इस्तेमाल क्यों करेगा? अब आपको मामला बताते हैं। वीडियो में दिखाई दे रहे लोग फातिहा पढ़ रहे हैं। ये खाना पकाने के बाद की जाने वाली एक प्रक्रिया है। इस दौरान पकाए गए खाने पर कुरान की कुछ आयतें पढ़ी जाती हैं, जिसका मकसद होता है पकाए गए खाने में बरकत हो। और इस तरीके का एक वीडियो लता मंगेशकर के अंतिम संस्कार से पहले उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए मुंबई के शिवाजी पार्क पर रखा गया था। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान भी वहां पहुंचे थे। उनके श्रद्धांजलि देने को लेकर काफी बवाल मच गया था, जिसमें दावा किया गया था कि शाहरुख ने पार्थिव शरीर पर थूका था, लेकिन बाद में ये सामने आया कि उनमें वो थूक नहीं रहे थे बल्कि फूंक रहे थे। इस्लाम में दुआ पढ़ने के बाद फूंकने का बड़ा महत्व है, ये भी दुआ करने का ही हिस्सा होता है। इस्लाम में बुरी शक्तियों को दूर रखने के लिए दुआ पढ़ने के बाद इसे किया जाता है।